लिए। ये भी हमारे खेत है, एक दो सप्ताह लग जाएगा इसे रेडी होने। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फूल हो रहा है, देखिए बांध के रखा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। नवरात्रि या कहिए दुर्गा पूजा का फेस्टिवल अब ख़त्म हो चुका है, और नवरात्रि का फेस्टिवल जो है हम उसे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाते हैं। दीपावली का जो त्यौहार है वो बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है धान की जो फसलें हैं हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही हैं। चलिए मेरे साथ। अब देखिए यहाँ जो है जो धान की फसलें हैं इन्हें काट के इस तरह से रखा गया है, और ये जब पूरी तरह से सूख जाएंगी तो इन्हें बांध के खलिहान में रख दिया जाएगा इन्हें। इस ओर देखिए ये जो धान की फसलें हैं लगभग एक सप्ताह में ये पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे हार्वेस्ट के लिए। और हमारे यहाँ का जो मुख्य फसल है वो धान ही है। इधर भी देखिए, इधर भी जो फसल है वो रेडी हो चुकी है लगभग, और ये बस दो तीन दिन में कटने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फसल है वो कट चुकी है, और इस तरह से काट के इन्हें रख दिया जाता है। धान की जो फसलें हैं देखिए, हमारा झारखंड का जो एरिया है उस पर मुख्य जो फसल है वो धान का ही फसल है। धान एक प्रकार का खरीफ फसल है, बरसात के दिनों में धान की खेती की जाती है, और अभी सर्दियां आने वाली है और अभी हार्वेस्टिंग का समय है। अलग अलग किस्मों के धाने लगाई जाती हैं, जिस कारण से जो है ये तैयार भी अलग अलग टाइम पे होती है। अब देखिए एक तरफ से जो धान पकने स्टार्ट हो गए हैं, और एक तरफ देखिए यहाँ पे जो ठीक तरह से फलियाँ भी नहीं लगी हैं। इनका हार्वेस्टिंग इन सब के बाद में होगा। अभी इवनिंग का समय है, सनसेट होने ही वाला है बस कुछ ही देर में। ये जो धान की फसलें हैं एक बार कट जाएंगी तो ये फिर खेत जो है खाली खाली नज़र आएंगे। यहाँ पर जब एक बार धान की फसलें कट जाएंगी इसके बाद रबी क्रॉप्स के रूप में यहाँ पे खसारी लगाया जाता है। खसारी एक प्रकार का दाल होता है, खसारी चना, और फिर यहाँ पे तीसी का भी खेती होता है जो फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, कि काफ़ी न्यूट्रिशनल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। और धान की फसलों को इस तरह से बांध के रखा जाता है। यहाँ से घर ले जाया जाएगा। इसी तरह से धान को एक के ऊपर एक रखते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं बीड़ा। ये जो एक धान है ये बंडल है, इस तरह से बांधा गया, इसे हम बीड़ा बोलते हैं। इन्हें अपने खलिहानों में रखा जाएगा, वहाँ से जो है फर्दर प्रोसेसिंग किया जाएगा और इसे धान में से चावल निकाला जाएगा। लगभग दो तीन महीने का समय चल जाता है, इसके बाद जाके हम आने के लिए चावल मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि चावल उगाने के पीछे, चावल जो हमारे घरों में आता है उसके पीछे कितना मेहनत लगता है। यहाँ पे देखिए ये सेम की फलियाँ लगी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फूल हो रहा है। देखिए ये बकरियाँ भी हमारी हैं। अब देखिए हमारे जो गांव है, गांव में आएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, बकरी, बैल, खेत, खलिहान। और आप देखिए इस ब्लॉग में आपको कोई बाहरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मतलब इतना कुछ शोर शराबा नहीं है। जब आप सिटीज़ पे जाते हैं तो काफ़ी हो हल्ला होता है, काफ़ी शोर शराबा है, काफ़ी नॉइज़ है, काफ़ी पॉल्यूशन है। अभी दिल्ली में देख रहे होंगे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी ख़राब है, और वहाँ पे सांस लेना भी तकलीफ़ हो चुका है। गांव का जो माहौल है वो काफ़ी शांत रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है।
ये एक हमारा खेत है और यहाँ पे एक दो सप्ताह लग जाएगा इसे रेडी होने में, पूरी तरह से हार्वेस्ट होने के लिए। ये भी हमारा खेत है, 30 खेतों में से एक खेत। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए।